हमारे यहाँ पे रोड कंप्लीट हो, बच्चों को सुविधा हो आने जाने में। स्कूल बच्चे जाते हैं तो पानी में गिर जाते हैं, कई बच्चों के चोट लग गई। और इससे पहले यहाँ पे खूब गहरा था, तो मनोज बेरवा जी ने बोला कि यहाँ पे आप लोग सब मिलके भर्ती कराओ, भर्ती कराने के बाद हम आपको रोड बना के दे देंगे। भर्ती कौन कराएगा, आपने भी बोला, आप खुद करो। जी हाँ, हम सब ने मिलके ये भर्ती करवाई, इसका लेवल बराबर में किया। मनोज बेरवा ने जी, नहीं जी, आपके पैसे नहीं, हमारे सबके मिलके, तो हमने इसको लेवल में बराबर किया। बराबर करने के बाद आज तक उन्होंने आके नहीं देखा कि यहाँ पे रोड बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इस रोड के लिए हम सबको बड़ी प्रॉब्लम है। आज आपके यहाँ पानी भरा हुआ है, क्या बीमारी हो रही है? बीमारी हो रही है, फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे पानी में गिर रहे हैं। स्कूल जाते वक्त किसी बच्चे के ठेस लग गई पानी में, मालूम नहीं होता कांटा है कांच है। मनोज बेरवा जी के पास गए आप? मनोज बेरवा के पास यहाँ पे आए थे, देवरानी जी आए तो उनके साथ में यहाँ आए थे, तो उनका ढोल से हमने स्वागत भी किया, तो उन्होंने बोला कि भर्ती करवा दो, हम आपका रोड बना देंगे। तो हम रोड बनवा दिए, उसके बाद यहाँ तक उन्होंने रोड बनाया, तो यहाँ तक आके देखा भी नहीं कि भाई भर्ती हो गई तो अब रोड बनवाएं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती नाथी देवी। भैया यहाँ पे निकलना बहुत भारी पड़ता है, गाड़ी लेके आ रहे हैं तो परेशानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, आज तो थोड़ा कम है, बाकी बारिश के दिनों में तो कोई निकल भी नहीं सकता यहाँ पर। और हम पैदल आने वाले को तो बहुत ही दिक्कत है, बहुत मुसीबतें पैदा हो रही है। और सबसे ज़्यादा तो गंदगी इतनी है कि मच्छर वगैरह जहाँ यहाँ पे शॉप है ना, इन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हम लोग क्या शॉप पे यहाँ पे सामान लेने आते हैं, तो सामान के चक्कर में हम लोग बार बार आना पड़ता है, तो हमको भी बहुत परेशानी होती है। बीमारी भी हो रही है, बीमारी भी हो रही है, मच्छर कीड़े और पता नहीं कौन कौन से जानवर यहाँ से निकलते हैं। कौन सी जगह की घटना बता रहे? ये तेजा चौक इधर पड़ता है, और यहाँ का पार्षद कौन? मनोज बेरवा। आप मनोज बेरवा जी के पास कभी गए थे बात, कई अपनी शिकायतें बताइए क्या? मैंने जैसे हम कॉलोनी जैसे कई महिलाओं को जानती हूँ, तो वो जैसे मैं हम बात करते हैं तो वो लोग शिकायत लेके जाते भी है। तो मनोज बेरवा ने आपकी सुनवाई करी है किसी महिला की, आपके किसी? ये तो वो ही जाने, इसलिए पूजा प्रजापति। परेशानी हो रही है? नाड़ियाँ की हो रही है सर। कितने टाइम से परेशानी है आपको? जब से ये रोड बनी जब से परेशानी हो रही है हमारे। पार्षद के पास गए थे? जादार खे रहा हूँ भाई, माँ कहीं रोड साफ करवाए, अगर सब कुछ कराए सुनाई नहीं करे। क्या कहता पार्षद फिर? पार्षद तो गंदारी नहीं करता है। नहीं झाड़ो काट पड़ा, नहीं हमारा कचरा लेने आते हैं, कुछ भी नहीं आते। कचरे लेने वाले भी नहीं आते कभी? नहीं आते। पार्षद को शिकायत करी आपने कभी? करी है, लेकिन पार्षद तो सुनाई नहीं। कौन है आपके वार्ड का पार्षद? वो ही है विनोद। मनोज मनोज परेशानी ये है सर कि हमारे यहाँ रोड पुलिया के पीछे पीछे बन गया, इधर नहीं बना, और अब ये जब बरसात आई थी तो हम यहीं कहीं रह गए, ना दुकान पे जा सकते हैं ना अस्पताल जा सकते हैं, हम हर चीज़ों से परेशान हैं। यहाँ क्यों नहीं बना आपके रोड, ये क्या कारण था? जी इलेक्शनों के टाइम में कोई भी नेता खड़ा होता, कोई पार्षद खड़ा होता, उस टाइम आता तो हम उनको बोलते हैं, वो कहते हैं भाई इलेक्शन में जीतते हैं आपका काम पहले होगा, अब वो आज तक तो हुआ नहीं। अभी आपके वार्ड का पार्षद कौन है? मनोज बेरवा। आप उसके पास गए थे मनोज बेरवा के पास? अरे मनोज जी तो खुद ही आते हैं ना, ये रोड बना था जब सर्वे हुआ था ना उसका, तो इसको क्यों छोड़ दिया उन्होंने? अब साहब उसके बाद तो हमने उनसे पूछा भी नहीं भाई क्यों छोड़ दिया, उन्होंने बोला मैं करवा दूंगा। कितना टाइम हो गया पार्षद को यहाँ पे? 6-7 महीने हो गए होंगे जब से नहीं आए। ना 4 साल हो गए उसको? नहीं रोड बनी हो। आपका नाम? मेरा नाम रघुनाथ पवार। हमारे ना तो रोड ना नाली, और बिल्कुल बच्चे पानी भर जाते तो स्कूल भी नहीं जा पाते हमारे बच्चे, हमारी यही परेशानी दूर होनी चाहिए बस। अभी पार्षद कौन है आपके? मनोज, वो मनोज बेरवा है। पार्षद के पास कभी गए थे? गए थे हमारे लोग, हम यहाँ बनी तब बोला था हमने भाई हमारे बनवाओ। इसको उस जगह बनने के बाद इसको क्यों छोड़ दिया उसने, क्या पता था? नहीं उन्होंने पहले बोला, क्या कारण था हमें बताया नहीं ना। देवनानी साहब भी आए थे यहाँ पे, देख के खुद गए देवनानी साहब, यहाँ देख के गए कि यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन नहीं बनाया यहाँ। देवनानी जी ने उनको बोला था कि बनाना? हाँ देवनानी साहब यहाँ आए थे, यहाँ हमने स्वागत किया था उनका, बल्कि वहाँ से ये बोला कि यहाँ से ही शुरू करेंगे, लेकिन नहीं किया। मनोज बेरवा जी ने यहाँ से क्यों नहीं शुरू करी, पता पूछा उनसे आपने कभी? नहीं पूछा, लेकिन वो बनाए नहीं यहाँ, हम खुद यहाँ रहे। कौन सी जगह? ये भैरू चौक कोटड़ा। आपका नाम? मेरा नाम बीना देवी। साहब ये रोड बन रहा नहीं है, कई सालों से देख रहा हूँ मैं। कितने साल हो गए भाजी? करीब करीब इसको 30-35 साल हो गया हमारे को यहाँ रहते हुए, लेकिन अभी तक ये रोड नहीं बना। पहले पार्षद कौन थे, भूतपुर पार्षद और अभी के पार्षद? पहले सोमलाल जी थे, उसके बाद कमल था, अब आया मनोज। अब कौन आया अभी पार्षद? अभी मनोज है, बोलता है कि आपकी कच्ची बस्ती कहलाती है इसलिए ये रोड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वोट लेने आते हैं आपके पास? जी हाँ।
वोट के लिए कितनी बार आए, क्या मांगते हैं, क्या कहते हैं आपको? अब दो बार वो जीत गए हैं, हाँ बना देंगे, अभी बोला था बना देंगे, अभी तक बनाया नहीं। यहाँ इतनी बीमारी हो रही है, पानी भरा हुआ है, बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। बिल्कुल साहब, बच्चे बीमार हो जाते हैं, पानी भर जाता है सामने। पार्षद के पास गए थे मनोज जी? हाँ गए थे। क्या कहा आपको उन्होंने? बोला कि हाँ जो बजट आएगा तब देखेंगे। ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है, कहाँ? ये भेरू चौक कोटला बोलता है साहब इसको। आपका नाम? मदन जी। परेशानी तो बहुत है, मगर नाले को हाकड़ी गंदगी है, देखो यार नाले ने मका बड़ी नु पानी और भी आ रही है, अरे नाले ने यार ऊंची कर दिया, वो पानी डोले में मरे रड़े पीड़ियो रहे। पार्षद के पास गए थे आप? गए। क्या कहा पार्षद? कल भी बोल के आई हूँ मैं। क्या कहा पार्षद? बोले दो चार दिन नेता करो, हम बनाओगे नाले। जब इलेक्शन आते हैं, जब पार्षद आप हाथ जोड़ते हैं, पांव जोड़ते हैं, पहले भी बोली मैं ऐसे ही, उनके वो भाई खड़े ऐसे दाड़े भी बोली मुगे, तो आज आगे थे और वो भी था कोई भाई हो, आज तू बोल के भाई जान, वो थोड़ा भाई भी आए केर गियो, एर भाई थे दूसरा कौन, पहले थोड़ा भाई हो। जीतने के बाद फिर पार्षद नहीं आता आपके पास? नहीं आता। आता ये रोड जरूर बनाई है वो, अब रोड बनाई तो क्या कर दिया, नाली तो नीचे नहीं तो में कितनी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे, मांगे धड़काओ, हाँ बाटा लगा और नाली सही होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम नानी भाई। परेशानी ये देखो ना आपको सामने, ये जी ये रोड भी है तैसा टुकड़े को छोड़ रखा है। क्यों छोड़ा, उसका कारण क्या है? अब कारण तो वो तो पार्षद को मालूम है इस चीज का, नाली की व्यवस्था है या ये है ही नहीं। ये देखो ना नाले खुद ही निकालते हैं, ये देखो ये निकाल रखी है, तो क्यों नहीं बना रहा सड़क को? क्या बताइए, तो इसको उसी को मालूम है। सामने देखो आप, क्यों नहीं बना रहा, क्या कारण? अभी ये मेरे को मालूम नहीं है इसका कारण तो क्या है इसका। आप पार्षद के पास गए थे कभी? गए नहीं है, सामने हो रहा है, महाराज ने बुला रहे, एक मिनट। आप गए थे क्या पार्षद? नहीं, मैं तो यहाँ आया था दो तीन दिन पहले। तो नाम बताओ आपका? नाम? मेरा नाम शंकर है। अटे नित नाली साफ करवावे और नी कदी झाड़ू काट बावे, मैं खुद नाली साफ करा, खुद झाड़ू निकाल। अटे कौन सा वार्ड है, कौन सा पार्षद है आपका? पार्षद तो मनोद है माके दो। पार्षद को गए हो कभी आप, जाते थे पार्षद? नहीं मैं तो जाऊँ, बोल तो दियो दो तीन बार बोली, पर मैं हुनाई निकल, मैं जाऊँ कौन बड़े। तो आज ये नाली अपने आप अपने पैसों की बना रहे हो आप? हाँ माँ का पैसे की बना रही है। पार्षद ने कभी सुनाई नहीं करी आपकी? कभी रोड पर जरूर बनाई खाली, माँ नाली कौन बना रही? नहीं नाली कौन बनाई, बाटा नहीं लगवा हुआ। नाम आपको? भाई नाली नहीं है, पानी भरा है, जाते है पैर गिलता होता है, कीचड़ में सांप सटा रहता है, नाली बननी चाहिए। गंदगी भी हो रही है, गंदगी भी हो रही है, मच्छर अच्छर भी हो रहे हैं, सबकी व्यवस्था भी नहीं चाहिए। किस जगह की बात है, कहाँ पर कौन सा चौक कहलाता है ये? तेजाजी चौक में आता है। पार्षद कौन है आपके? मनोज बेरवा। उसको शिकायत करी आपने कभी आज तक? शिकायत तो करी पर वो सुनता नहीं है, क्या सुनेगा वो? क्या कहता है आपको? बोलते हैं हाँ बनाएंगे बनाएंगे, बनाता नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम गोविंद कुंवर। परेशानी सर पानी की देख रहे हैं आप, पानी इतना भरा रहता है, कभी ये सूखता ही नहीं है, तो आने जाने में कितनी परेशानी होती है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है इस चीज़ से। कुछ ये कर यहाँ पे जी, आपके यहाँ जो गली है दुकान के सामने नाली वाली है? नाली वाली कहाँ है सर, देखिए सब पूरा बंद हो गया। कहते आप पार्षद को कही थे? पार्षद को शिकायत करी होगी लोगों ने तो? क्या हुआ, क्या शिकायत पे कोई देख रहे हो आप? हालत है, बरसातों के टाइम पे ये हालत हो जाती है, वैसे भी अगर थोड़ी सी बरसात हो तो भी ये हालत है, पानी भरा ही रहता है। कौन है पार्षद आपके? मनोज बेरवा। आपका नाम? मेरा नाम राजेश सिंह चौहान। नहीं ये गलत है, ये तो कुछ लोग बोल दिया होगा, नहीं तो मैं डेली एक्टिवा पे चलता हूँ मेरी, और डेली मेरे को लोग मिलते हैं, डेली मिलते हैं। वही है कि छः महीने साल भर से काम रुके हैं जरूर, और बरसात आई, बरसात आने की वजह से रोडों के क्या खुल गए हैं वापस, उनकी रिपेयर का काम सीओ को कर दिया गया, बाकायदा सीओ को अवगत करा दिया गया चीज़ें, मैडम ने वर्क ऑर्डर नहीं दिए, बाकायदा एनआईटी जारी हो चुकी है, और इसमें 20 लाख का मेरा पार्षद फंड है, और बाकायदा 20 लाख का जनरल वर्क से, और आज ही मैंने तो आज फेरो कवर के काम चालू करे हैं शमशान में। एक चौक है वहाँ पे तेजाजी चौक के पास, शेर वासी कह रहे हैं कि हमने पार्षद से बात करी थी, पार्षद ने कहा कि आप अपने फंड से पैसा निकालो, मेरे फंड में पैसा नहीं है। नहीं ये तो किसी ने झूठ बोला, आज तक कोई पार्षद ऐसा बोलेगा? अगले चुनाव नहीं लड़ना क्या बताओ, हम 10 साल से पार्षद ऐसे थोड़ी हैं यहाँ पे जो ऐसे बोलेंगे। ये तो कुछ जो क्या होता है प्रतिद्वंदी होते हैं ना, वो उनकी मानसिकता होती है। वहाँ पे भी अभी अभी मैं अपने जनरल वर्क से 26 लाख का काम करवाया, उसी रोड पे आपने देखा होगा सीसी रोड बना हुआ है, 26 लाख का सीसी रोड बना हुआ है। एक जगह की बात नहीं, हम चार पांच जगह घूम के, वहाँ चार पांच जगह से ही कहा गया कि पार्षद आता ही नहीं है। नहीं नहीं, हम पार्षद के पास जाते हैं वो मिलते ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातें कही गई है। नहीं नहीं ये तो देखो क्या होता है, पक्ष विपक्ष दोनों होता है, तो कुछ विपक्षी लोगों से आप मिले होंगे आप, ये वो जो तेह चौक है वहाँ पे आपने, वहाँ चुनाव के समय भी हमारा माहौल रखा, हमारे सामने निर्दलीय खड़ा करा गया था वहाँ पे,
19 लाख की डामर रोड बनाने के बावजूद भी वो निर्दलीय खड़ा किया गया था हमारे सामने। एक तेजा जी चौक के पास सरकारी स्कूल है, वहाँ पे गंदगी जी का इतना माहौल हो रहा है कि वहाँ पे 26 लाख का सीसी रोड बना, अभी लेटेस्ट हमने देखा उसके कोने पे जो डंपिंग अपना कचरे का डब्बा था वो डब्बा नगर निगम ने हटा लिया है, ADA के प्लॉट वालों की शिकायत की वजह से उन्होंने हटा लिया, उसको शिफ्ट किया जा रहा है।